आप चाहते हैं खुदा की खिदमत करना और आप ही खुदा जी के साथ टाइम नहीं गुजार पाते हैं, सॉरी जी अगर बुरा लगे तो, जब हम चाहते हैं खुदा के लिए कुछ करना और हम ही कुछ नहीं कर पाते हैं तो कमी किधर है, जी ये मैं और आप जानेंगे, राइट? जी सो टाइम टेबल किसको बनाना है, जी 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 वक्त किसको निकालना है? जी जी हमें निकालना जी। हाँ जी आपको, मैं निकालती हूँ भाई, हम नहीं, मैं हम में शामिल नहीं हूँ आपको अपने लिए वक्त निकालना है, टाइम टेबल बनाना है, पहले अपने आप को दुरुस्त जी करना है, फिर ही तो खुदा मुझे चुनेगा चरवाहा बनने के लिए, राइट? जी जब मैं अपने आप को ही जी मेंटेन नहीं कर सकता तो मैं भेड़ों की खबरगीरी कैसे करूंगा, जी समझ आई ब्रदर? सो वर्क ऑन जी योर पर्सनल, कलाम पढ़ने में आप इंतहाई सुस्त, जी कलाम बिल्कुल भी आपकी लाइफ में नहीं, आई एम सॉरी ब्रदर, आई एम जस्ट कन्वेइंग द जी मैसेज, कलाम पढ़ना शुरू करें तो कैसे आप खिदमत के लिए रेडी हो सकते हैं, जब मुझे हथियार जी मेरे पास है, मुझे चलाना नहीं आता तो मैं लड़ूंगा कैसे, राइट? गॉड ब्लेस जी यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको जो है ना डर को नहीं करना और इन चीज़ों के मतलब जो भी आप डरते बहुत ज़्यादा हैं, सब फैमिली आपकी ऐसी है, सबसे पहले तो आप सबको एक जगह पे इकट्ठे होकर यूनिटी में होने की ज़रूरत है, ठीक है? और इस चीज़ को रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, आप किसी खुदा के कदम को अपने घर डेली पे, रेगुलरली प्रेयर हो रही है। जी जी आप खुदा के खादिम को घर पे बुलाएं और इस कर्ज के लिए स्पेशल दुआ करवाएं अपने घर पे। गॉड ब्लेस यू, आपके लिए मैसेज है, जब आप खुदा की खादिमा हैं, आप कहती हैं कि आप खुदा की जी खिदमत करना चाहती हैं, तो डरपोक लोग तो खुदा के खादिम नहीं हो सकते। सिस्टर जी, यही बात है, इसकी वजह से आज मैंने बहुत प्रे की और मेरे खुदावंत का शुक्र, जो ब्रेस्ट की पेन थी, कल से मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को अपनी जिंदगी में लिया। जब भी होती थी ना, मैं कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, खुदावंद मेरे साथ, खुदावंद का शुक्र बिल्कुल ठीक रही हूँ मैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। और आज का मैसेज आपने सुना है जी? बिल्कुल सिस्टर जी, मैंने सुना है कलाम जी, तो डर को नो कहना है और खुदा पर बिल्कुल सिस्टर जी। ठीक है अब आप कैसा शक जी, करती हैं मैं आपको लफ्जों में बता नहीं सकती जो मुझे नजर आया, ओके? जी और नदी पे आते हैं मुझे। हाँ जी, तो आप प्लीज इसको इसको नो कहें, आज का आपने पैगाम सुना है, मैसेज सुना है आपने, जी आपको तो हाँ इसके लिए जी आपको नो कहना है, तो फिर ही आप वो सारी बरकतें रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? और अपने जी अपने वॉर्म पे, अपने पेट पे हाथ रख के और खुदा के नाम से उसको प्रोटेक्ट किया करो, आप तो मतलब खुद भी डरती हैं, आपने आने वाले बेबी को भी डरा रही हैं, ऐसा ना करो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, हाँ जी गॉड ब्लेस यू। महक, आप अपनी प्रॉब्लम का वेट करती रहती हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का वेट करती रहती हैं और नहीं सब वेट नहीं नहीं सुन ले मेरी बात पहले, है ना, मेरी सुन ले। जी कभी ऐसा होता है कि आप कहती हैं देखा मैंने कहा था ऐसा हो जाएगा और वो हो जाएगा, अपने जी लिए पॉजिटिव बोला करें, उन लफ्जों को नेगेटिव वर्ड्स को छोड़ दें, बिना फिक्र ना करें वो जल्द घर आ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, प्लीज दुआ में याद हाँ रखिएगा। जरूर, आप परेशान हो, आप दुआ करें, रोए नहीं, और आप खुदा से कहें कि खुदा मैं तुझसे उम्मीद रखती हूँ, तू मेरा बचाने वाला है और तूने मुझे छुड़ाया और मैं जानती हूँ तू मेरे हस्बैंड को घर लेके आएगा, इन जीसस नेम। आपकी लाइफ में मायूसी बहुत है, आप मायूस बातें करते हैं, आप मायूस को सोचते हैं, आप घर से बाहर निकलते वक्त मायूस रहते हैं, आपका जहाँ पे कदम जाता है वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, अपनी लाइफ से सैडनेस की स्पिरिट को नो कर। मे भी आप बहुत परेशान हैं, मे भी आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन आपको समहाउ फील करना चाहिए अपने बदन में कि कहाँ पे मैं किस चीज़ को अपने बदन में अपनी सोचों में आने की इजाज़त दे रहा हूँ, जितने मुझे ऑनलाइन लोग देखते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, सुबह कुछ नहीं हुआ, परसों कुछ नहीं हुआ, एक नहीं, परेशान होना एक ह्यूमन नेचर है, परेशानी को अपनी डेली रूटीन बना लेना इज सीरियस, स्पिरिचुअली ये बहुत सीरियस है, आप उस स्पिरिट के अंदर चले जाते हैं और आपका फिर आने वाले दिनों में जो पॉजिटिविटी होती है वो कहीं आपके पास नहीं आ सकती, बिकॉज यू गोना आप फैसला कर लेते हैं उस सैडनेस स्पिरिट के साथ रहने का, उस सैड स्पिरिट के साथ रहने का,
आज ब्रदर आप जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी खड़े हैं, इसी वक्त खुदावन यीशु के नाम से इस जो मायूसी को अपनी ज़िंदगी से दफा करूँ, कहें मैं इस मायूसी को अपनी ज़िंदगी में तर्क करूँ, मैं अपनी जिंदगी से ये मायूसी को तरक करता हूँ, हाँ, और मैं खुदा की शादमानी को रिसीव करता हूँ, कहें खुदावन की शादमानी को रिसीव करता हूँ, क्योंकि खुदावन मेरा बचाने वाला है, खुदावन तो मेरा बचाने वाला है, आमीन। आपको सिस्टर जोशी में आपसे एक बात कहूँगी, आपने ही कहा है, जी जी, आपने ही कहा है कि आपके फिजिकली अटैक हो रहे हैं, आपके घर में कोई लड़ने वाला ही नहीं है, वॉरियर ही नहीं है, हमें लगता है कि कोई हमसे लड़ने वाला, कोई हमसे लड़ रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक वॉरियर होना चाहिए। जी जी, वो सही कह रही है, आप मैं खुद ही बस। हाँ जी, तो आपके घर, हाँ जी, आपके घर में कोई वॉरियर नहीं है जो लड़े, तो आपके घर में तो वॉरियर होना चाहिए। हमारी जो जंग होती है वो हम खुद लड़ते हैं। अब एक ही बंदा जंग लड़ता जा, यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, यूक्रेन वीक है। सो जंग के लिए वॉरियर चाहिए, लोग लड़ रहे हैं। जी जी। तो आपके घर में कोई लड़ने वाला नहीं है, अपने घर में अगर आप निजात चाहती हैं तो अपने घर वालों को बताएं, उनको लड़ने की जरूरत है, उनको खुदा यीशु के पास आने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत है। तो ब्लेस यू, हम नेक्स्ट कॉल लेंगे। एंड आपको स्विच करना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ बड़ा ही हेलो हाई वाला है, खुदा की कुर्बत में जाएं, वर्शिप करना शुरू करें, क्योंकि उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपका फ्यूचर डिफरेंट होगा, और अगर आपने सरेंडर कर दिया तो आपका फ्यूचर बहुत डिफरेंट होगा।